इस कहानी में जो ने बैग को पाने के लिए कितने पापड़ बेले, अंत में उसे बैग मिल भी गई, पर हालात कुछ ऐसे बने कि जो ने बैग को भी मार डाला। हत्या का इल्जाम थेरेपिस्ट पर आया, पर जो ने भी ये जगह छोड़ने का फैसला किया है। अब वो पहुंचा है लॉस एंजलिस। यहाँ उसकी मुलाकात होती है ओनर स्लैश ब्रोकर डेलिया से। डेलिया से जो ने अपना नाम बताया है विल, जो अब पुरानी सभी बातें भुलाकर नई लाइफ शुरू करना चाहता है। डेलिया ने उसे फर्स्ट फ्लोर का एक अपार्टमेंट दिखाया है। रात को जब जो यहाँ सोया तब उसे बैग का सपना आया, पर सुबह उठकर उसे याद आया कि बैग तो अब जा चुकी है, भेजा भी जो नहीं है। वेल, जो को याद आया है कि उसकी कैडेंस से क्या बात हुई थी। कैडेंस ने जो को एक रेस्टोरेंट में बुलाया था। प्रेजेंट में जो इन सभी बातों को याद कर रहा है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि कैडेंस ने जो से क्या कहा था। तुमने मुझे जिंदा ही गाड़ दिया था, पर तुम्हारे जाने के बाद जैसे तैसे मैं बच गई थी, मैं वहाँ से भाग गई। वो कहते हैं कि तुमने फिर नई लड़की ढूंढी और उसके साथ प्रेम के पीछे लड़ाए, और अब तुमने उसके साथ भी वैसा ही किया जैसा मेरे साथ किया था, पर अब तुम बच नहीं पाओगे। तुम्हारी सारी हिस्ट्री मैं पुलिस को बताऊंगी। प्रेजेंट में जो ये सब याद कर रहा है। इसके बाद उसने शहर बदल लिया, और तो और उसने नाम भी बदल लिया है। सुबह ही उसके सामने एली आ गई। एली की उम्र महज 15 साल है। वो जो को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, तभी यहाँ डेलिया आ जाती है। एली डेलिया को मॉम कहकर बुलाती है। जो को यकीन नहीं हो रहा कि डेलिया एक 15 साल की लड़की की माँ है। एली तो यहाँ से चली गई, पर डेलिया जो को वॉर्न करती है कि मेरी बेटी पर बुरी नज़र मत डालना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। जो कहता है कि एली एक किड है, वो भला ऐसा क्यों करेगा। जो जॉब ढूंढने निकलता है। यहाँ उसकी मुलाकात कैल्विन से हुई है। कैल्विन कहता है कि हम तुम्हें जॉब देने को तैयार हैं। एक बुक स्टोर तो है ही, साथ में रेस्टोरेंट भी है। जो यहाँ से जाते वक्त एक लड़की को देखता है। उसकी नज़रें उस लड़की से हट नहीं पाती। पीच फ्रूट को लेकर दोनों में बातचीत शुरू हो गई। इस लड़की ने अपना नाम बताया लव। वो जो के साथ थोड़ा फ्लर्टिंग भी करती है। अगले दिन से जो ने बुक स्टोर में काम करना शुरू कर दिया है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है किस तरह जो कैडेंस से भागा। वो कैडेंस से बाथरूम का बहाना बनाता है और फिर वहाँ से भाग गया। कैडेंस हालांकि उसका पीछा करती है, पर जो काफ़ी तेज निकला। जो का बॉस कैल्विन जो को उसके काम के बारे में बताता है। यहाँ लव आकर एक सरप्राइज देती है। वो भी इसी स्टोर में किचन का काम संभाल रही है। जो उसे मिलता है पर उसे अवॉइड करने लगा। वो अपने पास को भुलाकर यूं नई लाइफ शुरू नहीं करना चाहता। वो लव को इन सब में घसीटना भी नहीं चाहता। लव को जो कि यही अदा भारी है कि किस तरह जो उसे अवॉइड कर रहा है। जो ने लव को तो अवॉइड कर दिया, पर अपने अंग पर कैसे कंट्रोल करे। अकेले में जाकर वो हस्त मैथुन करता है। इन सब में वो लव की कल्पना करता है। फिर उसे रियलाइज हो रहा है कि फिर से वो किसी लड़की के प्रेम में नहीं फंस सकता। वो कैब पकड़कर ये शहर छोड़ने भी वाला था, तभी कैडेंस का फोन आ गया। वो जो को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने की धमकी देती है। जो गुस्से में फ़ोन तोड़ देता है। वो अब अपने घर के स्ट्रीट में वॉक कर रहा है, तभी उसकी वीडियो बनाई जा रही है। एली अपने मोबाइल से उसकी फिल्म की शूटिंग कर रही है। जो आकर उस पर गुस्सा दिखाता है, उसका फ़ोन वो फेंक देता है। एली कहती है कि वो तो सिर्फ स्कूल के लिए एक फिल्म बना रही थी, ये उसका प्रोजेक्ट था। जो पर वो गुस्सा उतारती है। बाद में जो ने नया फ़ोन खरीद कर एली को गिफ्ट किया है। एली ने भी जो को माफ़ कर दिया है। इस तरह दोनों की दोस्ती हो गई। एली ने कहा कि अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो उससे दूर मत भागो, बल्कि उसे फेस करो। ये बात जो को अच्छे से समझ आ गई है। वो लव को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। लव की भी कहानी है। उसने अपने बच्चे को छिपा कर रखा है इस शहर से दूर। समय समय पर वो अपने बेटे से मिलने चली जाती है। इस कहानी में क्या राज है, ये हमें आगे पता चलेगा। लव ने जो की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, और अब वो उसे सरप्राइज देने उसके घर पहुंची है। दोनों साथ में इस शहर को एक्सप्लोर करने निकलते हैं। ये अलग अलग स्टोर्स में जाते हैं। यहाँ इस बिल्डिंग के टेरेस पर बैठकर लॉस एंजलिस की खूबसूरती को देखते हैं। अंत में दोनों स्टोर में पहुँचे हैं जहाँ ये दोनों काम करते हैं। किचन में लव एक स्पेशल चिकन डिश बनाती है। इस दौरान लव अपनी कहानी बताती है कि उसका नाम लव है, पर उसकी लाइफ में कोई लव नहीं है। आज वो एक विडो की लाइफ जी रही है। इसके बाद जो एक सुनसान बिल्डिंग में पहुंचा है। यहाँ का शटर जब वो उठाता है, तब हमें पता चलता है कि जो ने किसी को कैद करके रखा है। जो ने ऐसा क्यों किया है, अब वो क्या करने वाला है, इन सारे रहस्यों से अगले एपिसोड में पर्दा उठेगा। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे जिंदगी के किसी नए मोड़ पर।